विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है और इस वक्त मेरे साथ हैं फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके किशन ठाकुर, और राजनीतिक रूप से बहुत मुखर होकर बोलते हैं और आज उनकी वाणी से सुनते हैं कि क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है। किशन ठाकुर जी, आप हमेशा जो है डरते नहीं हैं, अपनी बात बोलते हैं, तो आज दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या माहौल आप देख रहे हैं, क्या सोच है। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चा में है, उसे लेकर अपना अनुभव बताएं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देश और प्रदेश की राजनीति में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है और 89 विधानसभा क्षेत्र में देखो, तो विपुल गोयल की आंधी चल रही है, क्यों कि विपुल गोयल को लोग अपना बच्चा, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा लोग मान रहे हैं। और आज जो कांग्रेस का प्रत्याशी है और बीजेपी का प्रत्याशी का अगर मुकाबला किया जाए तो जितना जमीन में आसमान में फर्क है, इतना फर्क है। क्यों कि जो ये कांग्रेस का प्रत्याशी है, ये पहले तीन चुनाव, तीसरा चुनाव विधायक का लड़ रहा है, एक पहले पार्षद, अब गलती से बन गया था 93 में, 93 में गलती से पार्षद बन गया। इसने फरीदाबाद को, जो इसकी हमारी 89 विधानसभा में ही वार्ड पड़ता है, हमारा ठाकुरवाड़ा भी आता था, उसमें इसने कोई काम नहीं करे और दो मोटरसाइकिल खरीद रखी थी, जहां भी ट्रक आता था ईंटों का तो उसके पीछे मोटरसाइकिल लगवा देता था, उनके पास जई भेज देते था, फिर जई से कहता था कि भैया ऐसा है, उस आदमी से कहता था जो बेचारा कंज्यूमर है, जो 50 गज में 100 गज में मकान बना रहा, कि भैया 2000 तो तुझे देने पड़ेंगे क्योंकि नहीं तोड़ देगा मकान को। तो जो है कांग्रेस का कैंडिडेट है ना, मैं सच बात बताता हूँ, किशन ठाकुर ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ मैं, दोनों को जानता हूँ। विपुल गोयल ने हमेशा गरीब मजदूर किसान की 15 आदमी सागर सिनेमा पर बैठाए रखे हैं, अब कह रहा विपुल गोयल मिला नहीं कभी, अरे 15 आदमी आधा कह रहे 5 साल तो दिखे नहीं विपुल गोयल, आपको मिले कि नहीं मिले विपुल? अरे बल मेरे को नहीं, 15 आदमी उसने जो है वहाँ बैठा रखे थे, इस पे सागर सिनेमा पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 1 रुपया अगर किसी से लिया हो तो मैं उसका मैं जिम्मेवार हूँ। कितने समय से ये 15 आदमी बैठे थे? 10 साल से बैठे हैं, ये तो गए ही नहीं है कहीं भी, 2014 से। हाँ 2014 से। देखो मैं बताऊँ, जो ये हमारी कॉलोनी है, गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, बाबा नगर, ठाकुरवाड़ा, बस्सापाड़ा, भारत कॉलोनी, पदम नगर, हनुमान नगर, भूड कॉलोनी, बसेलवा कॉलोनी, जो ये 1 लाख वोटे हैं, जो पिछले दिनों जब विपुल गोयल जी थे, हमारे पूर्व में जो विधायक थे बीजेपी के, वो जैसे ट्रेन चलती है ना मालगाड़ी, वो ऐसे चलते हैं, जो स्टाइल होता है आदमी का, और विपुल गोयल का जैसे हवाई जहाज चलता है ना, हवाई जहाज विपुल गोयल ऐसे चलते हैं। 3 महीने का विपुल गोयल जी से मेरी बात हुई थी आज से 8 दिन पहले, कि विपुल गोयल ने, देखो मैं तो लोकसभा लड़ा हूँ, ना बिका ना झुका ना टूटा, और आप दोनों में तो कंपाइन करो, ये फरीदाबाद की जनता ने मन बना लिया है, मेरी माताओं ने, बहनों ने, नौजवान साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने, कि भाई विपुल गोयल को विधायक बनाना है और चंडीगढ़ पहुंचाना है, मन बना लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी तो पूछ लो विपुल गोयल। असल में क्या है कि ये जो लोग कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी हैं, वो लोग तरह तरह की बात चल रही, सरकार आ रही है जी, अरे भाई सरकार तो जब आएगी, जब विधायक बनोगे, जब तो लोगों का भला करोगे, तुम 3 बार चुनाव लड़ लिए, पार्षद समेत 1 बार 350 वोट मिली है, वो कह रहे मेरा वनवास खत्म कर दो। अरे भैया वनवास तो तेरे को 3 बार लोगों ने मौका दे दिया, 4 बार तेरा वनवास तो खत्म है, जनता कर रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ भाई, जनता ने मन बना लिया है कि भाई ये देखो विपुल गोयल के लिए तो मन बना लिया, कांग्रेस के प्रत्याशी को चाहे वो कुछ भी कर ले, जो अपने सगे भाई, देखो मैं सच बात बताता हूँ, सगे भाई है सामने, जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है इसके बिल्कुल सामने टीटू का दुकान थी, 3 साल पहले दुकान तोड़वा दी, जो पंकज सिंगला है वो सगा भतीजा है इसका, उसकी दुकान छीन ली, और ये जब घर के इनका नहीं हो सकता तो आम आदमी की क्या मदद करेगा, जनता ने 3-3 बार अजमा लिया है, 3री बार लड़ रहा विधायक भी, 1 बार पार्षद बना था, उसके बाद पार्षद लड़ा, 350 वोट आई थी। किशन जी, अभी जयजू ठाकुर कांग्रेस में गए और फिर बीजेपी में आ गए, प्रवेश मेहता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो तो बैठ ही गए, क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा और कैसे
क्या ऐसा विपुल गोयल ने मैजिक किया कि ये उनके समर्थन में आ गए? अरे भाई वो तो देखो बुरा मत मानना, मैं तो 40 साल से राजनीति करता हूँ। परवेज मेहता या जो भी आप नाम ले रही हो वो तो बहुत छोटा खेल है। जब मैं बाबा खाटू श्याम को मानता हूँ, बंसी वाले को, मेरे को ज्वाइन करा दी विपुल गोयल जी ने। मैं तो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा था, सच बोलता हूँ मैं, मेरे को ज्वाइन करा दी और प्रसाद खिला दिया कि भैया तू तो हारे का सहारा है और तू यहाँ हरियाणा में हमारा प्रचार कर बीजेपी का, और मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ, माता रानी को मानता हूँ। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का, जमीन आसमान का फर्क है। जनता ये फर्क समझेगी कि नहीं समझेगी? अरे जनता ने तो मन बना लिया। अब हजारों आदमी थे यहाँ, महिलाएं थी, जहाँ विपुल पे 10 बजे के बाद तो सरकार का भाई देखो है कि नहीं बजा सकते माइक, उसके बाद भी 11-11 बजे यहीं जा रहे हैं, 12-12 बजे तक लोग छोड़ नहीं रहे। 40-40 प्रोग्राम एक एक दिन में लोग मांग रहे हैं, उसके तो नहीं मांग रहे कांग्रेस के प्रत्याशी को। आप बताओ ना, कांग्रेस के प्रत्याशी का जो ये कहता है भाई बीजेपी वेंटिलेटर पे आ गई है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ मैं, वो खुद वेंटिलेटर पे चलता है। उसका कब पता नहीं, जब सड़क पार करता होका चल जाता। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। अब वो ये कहता है बीजेपी वेंटिलेटर पे, अरे मुझे तो ऐसे लगा तू बता दिए भैया। हाँ अब एक तरफ कहता है जी किशन ठाकुर, ये कह रहा है अरे किशन ठाकुर झूठ नहीं बोलता, दोनों मेरे, मैं दोनों उनको जानता हूँ ना भाई, मैं बाहर का आदमी तो हूँ नहीं, जनता भी मेरे को जानती है। मैंने 40 साल के अरसे में देखो मैं सच बात बताऊं, जितना विपुल गोयल ने काम किया है उतना किसी ने आज तक हमारे विधानसभा में नहीं किया। तो लग रहा है ये आगे भी काम जारी रखेंगे? भाई देखो वो तो हवाई जहाज की रफ्तार चल रही है उसकी, तो हवाई जहाज की विपुल गोयल जी हवाई जहाज की रफ्तार चल रही है, और बंसी वाले ने ऊपर बंसी वाला और नीचे जनता, ये भी भगवान का रूप है। इन्होंने मन बना लिया है कि विपुल गोयल लाखों वोटों से जीतेंगे। तो देखिए ये थे किशन ठाकुर हमारे साथ, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि फरीदाबाद विधानसभा की जनता का मूड क्या कहता है, 5 अक्टूबर को जनता इस पर कितना मोहर लगाती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।